हाई एवरी वॉन दिस इज पारुल योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग वेलकम टू पजिल प्रो सो आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आपका जो आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन है आप सभी के तो उसमें लगे हुए होंगे तैयारी कर रहे होंगे सो so, एक चीज है आ, मैं चाहती हूँ कि आप सभी उस पर थोड़ा सा ध्यान दें जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं एक माना गया है ऐसा बोला जाता है कि रीजनिंग बिना पजल्स के नहीं हो सकती आप रीजनिंग का पेपर प्रिल्स का पेपर हो मेन्स का पेपर हो बिना पजल्स के आप उसको नहीं क्रैक कर सकते एंड दैट इज कम्प्लीटली ट्रू बट ये चीज इतनी ज्यादा फैल चुकी है स्प्रेड हो चुकी है कि स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ पजल्स पर ही ध्यान देते हैं आपका जो बाकी का मिसलेनियस पोर्शन मैं मिसलेनियस किसे बोलती हूँ रिपजल सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा जितना भी आपका पोर्शन होता है मैं उसे मिसलेनियस बोलती हूँ तो मिसलेनियस की जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा उसको ओवर लुक कर रहे हैं नजरअंदाज कर रहे हैं बट आप सभी को पता है कि ऐसे एग्जामिनेशन आईबीपीएस क्लर्क प्रिलिम्स का एग्जामिनेशन आर आरबी के एग्जामिनेशन आप और चाहे आप आई बी की भी बात करो एसबीआई पी ओ प्रिलिम एग्जामिनेशन को हम बिना मिसलेनियस के नहीं पास कर सकते जितना पजल्स का इंपॉर्टेंस है रीजनिंग में उतना ही मिसलेनियस का भी इंपॉर्टेंस है लेकिन क्योंकि पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा ऐसे लगता है ना कि वो क्वेश्चन बड़े होते हैं और उनको सीखने में समझने में टाइम ज्यादा लगता है तो सब लोग वही करते हैं और उसी के चक्कर में आप लोग मिसलेनियस मिसलेनियस को छोड़ देते हो, कर देते हो हो ओवर ही ही कर जबकि जितना इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस पजल्स का का है उतना ही आपके का है उतना आपके पोर्शन आप सिर्फ पजल्स करके जाओ पेपर दो आपका पेपर कभी भी कोई भी प्रिलिम एग्जामिनेशन आप पास नहीं कर सकते आप सभी को बहुत अच्छे से इस चीज का पता है तो इसीलिए अभी आज से मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए मिसलेनियस डोज डे वन है आपका डोज well, क्या होता है आप सभी को पता है क्या होता है इट समथिंग जो किसी को पसंद नहीं है दवाई खाना है ना दवाई लेना किसी को पसंद नहीं होता तो मिसलेनियस भी एक वही चीज है जो स्टूडेंट्स पसंद नहीं करते हैं बस पजल्स कर लो सीटिंग अरेंजमेंट कर लो वो जरूरी है उसके बिना तो ऑब्वियसली आप कुछ नहीं कर सकते मेंस में तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट इज मस्ट ठीक है लेकिन मेंस तक पहुंचने के लिए आपको प्रिलिम्स का पेपर भी तो पास करना पड़ेगा और उस पेपर को पास करने के लिए मिसलेनियस को भी आपको साथ में लेकर चलना पड़ेगा और हालांकि मिसलेनियस पदल से काफी आसान होता है ठीक है आप सभी को पता है लेकिन कुछ एक चीजें हैं कुछ एक टाइप्स हैं जहां पर मोस्टली स्टूडेंट्स बार बार गलती करते हैं मैंने भी की है और अगर आज के टाइम पर मैं भी अगर एक होता है ना कि अगर आप बड़े आराम से चिल मोड में बैठे हो सामने एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे लॉग्स का और वो भी पर्टिकुलर टाइप एक टाइप की मैं अभी आगे बात करने वाली हूँ ये टाइप मैं आपको पहले भी बताया है और मैंने तब पढ़ाते हुए भी उसमें मिस्टेक की थी ठीक है तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि कुछ कुछ एक ऐसी चीजें होती है जिसको अब ज, जैसा मैंने बताया अगर मैं चिल मोड में बैठी हूं मैं सीधा क्या होता है से के केस में डायग्राम so, बनाया अपना स्टैंडर्ड उसके बेसिस पर उसको सोल्व कर दिया लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड डायग्राम से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते हैं कई बार स्टैंडर्ड वन डायग्राम से क्वेश्चन का आंसर गलत भी कंक्लूजन का आंसर आप गलत निकाल बैठते हो तो अभी आज हम उस चीज को डिस्कस करेंगे और भी बाकी के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आर आरबी पीओ के पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सो so, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ये आप सभी के सामने आप सभी की स्क्रीन पर वेल well, ये क्वेश्चन जो है मैं खुद ही बता रही हूं ये एक ऐसा टाइप है अगर मैं ऐसे करूंगी ना तो मैं भी इसमें मिस्टेक कर दूंगी क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड वेन डायग्राम होता है अभी देखेंगे क्या है इसमें तो इसका जो स्टैंडर्ड वेन डायग्राम होता है अगर आप सिर्फ उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करोगे तो इसके जो कंक्लूजन में जो भी दिया गया आप उसको गलत कर लोगे ठीक है ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ तो अभी फिर से करा रही हूँ ताकि गलती बार बार ना हो ठीक है चलो देखो सम एम्प्लॉइज आर वर्किंग कहता है सम एम्प्लॉइज आर वर्किंग ठीक है हमने इसको बना लिया सिंपली नो वर्किंग इज रिटायर्ड ये भी बना लिया हमने ऑल रिटायर्ड आर पेंशनर्स ये भी बना लिया हमने अब पहला कंक्लूजन देखो पहला कंक्लूजन में वो क्या पूछता है ऑल आर पेंशनर्स इज नॉट नॉट अ अ पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पहले तो ध्यान दो not a possibility लिखा है यानी कि सारे के सारे एम्प्लॉइज पेंशनर्स हैं ये पॉसिबल नहीं है वो आपसे ये पूछ रहा है सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो पेंशनर्स नहीं हैं इज नॉट वो पेंशनर्स हैं इज नॉट पॉसिबल यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है कि सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो पेंशनर्स नहीं हो सकते अगर हम हिंदी में देखेंगे तो इसका मतलब है सारे के सारे जो हैं वो पेंशनर्स नहीं हो सकते ठीक है अब अगर मैं इसको स्टैंडर्ड वेन डायग्राम से करूंगी ठीक है जिससे हम जनरली हम सारे क्वेश्चंस को यहीं से ही सॉल्व करते हैं स्टैंडर्ड वेन डायग्राम से हमेशा क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं बट यहां पर अभी ध्यान देना है ये कैसा टाइप है अगर हम स्टैंडर्ड से करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती कर देंगे ओल्ड एम्प्लॉयज आर पेंशनर इज नॉट पॉसिबल वो ये कह रहे हैं एम्प्लॉयज यहां पर है वो कहते हैं कि सारे के सारे जो एम्प्लॉयज है वो पेंशनर हो सकते हैं अब एक और चीज को समझना अगर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है मैं आपको ये बता रही हूं कि इसमें मिस्टेक कैसे हो सकती है अगर क्योंकि हम क्या करते हैं देखो पहले इसका देखो सम एम्प्लॉयज पेंशनर अगर वो आपसे ये पूछता है सम एम्पलॉइज आर नॉट पेंशनर आपसे ये पूछता है तो हमें दिख रहा है कि एम्प्लॉई का जो इतना पोर्शन है ना एम्प्लॉई का जो इतना पोर्शन है वो किससे दूर है इस पूरे के पूरे आर से दूर है क्योंकि डब्ल्यू पूरा पूरा का पूरा इस आर से दूर है डब्ल्यू पूरा आर से दूर है तो एम्प्लॉइज का जो इतना पोर्शन है वो भी आर से दूर है एंड आर इज अ पार्ट ऑफ विच आर किसका पार्ट है पेंशनर का ही तो पार्ट है तो इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि सम एम्प्लॉज आर नॉट पेंशनर सही है सम employees आर नॉट पेंशनर हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सही है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आर है ये किसका पार्ट है पूरा का पूरा जो आर है आपका पेंशनर का ही तो पार्ट है ये भी तो पेंशनर ही है ये भी तो पेंशनर है तो सम employees आर नॉट पेंशनर अगर हम इसको देखकर कहेंगे तो हाँ ये सही है ठीक है अगर हम इस हिसाब से देखें तो अगर वो बोले ऑल एम्प्लॉयज आर पेंशनर ठीक है अगर वो बोले ऑल एम्प्लॉइज आर पेंशनर तो ये क्या हो जाएगा ये गलत हो जाएगा इस वेन डायग्राम के हिसाब से अगर देखते हैं तो ऑल ओल्ड पेंशनर क्या हो जाएगा गलत क्योंकि हमें दिख रहा है कि इतना पोर्शन जो है एम्प्लॉइज का वो तो कभी पेंशनर में जाएगा नहीं यानी कि इसमें नहीं जा सकता ये वाला जो पोर्शन बाकी सारा का सारा पोर्शन इस कॉमन के अलावा बाकी जितना भी पोर्शन है वो पेंशनर में जा सकता है लेकिन इतना पोर्शन नहीं जाएगा अगर हम इसको देखते हैं तो इसको देखते हैं तो लेकिन लेकिन अब एक और चीज यहां पर उसने पूछा क्या है पॉसिबिलिटी वो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है ठीक है यानी कि कि वो पॉसिबल नहीं है अब यानी कि आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है तो अब पॉसिबिलिटी के केस में हमको क्या करना है या तो हम लोग क्या करते हैं एक, 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 एक स्टैंडर्ड के अलावा एक और पॉसिबल वेन डायग्राम अगर हमारा बन पा रहा है अगर एक और पॉसिबल डायग्राम हमारा बन पा रहा है और जितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो सब की सब वहां पर लग रही हूं तो फिर हमारा यानी कि पॉसिबिलिटी करेक्ट होती है तो अब अब देखो यहां पर स्टैंडर्ड वेन डायग्राम को देखकर हमारा ये कंक्लूजन सही निकला और ये वाला कंक्लूजन गलत ठीक है लेकिन इसको हम क्या इस तरीके से नहीं बना सकते ये दिया गया है ठीक है तो सारा का सारा एम्प्लॉज पेंशनर इज नॉट पॉसिबल कि सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं, क्या वो नहीं आ सकते सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो पेंशनर हो सकते हैं देखो सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं, क्या हम उनको यहां पर नहीं बना सकते बना लिया हमने सारे के सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर आ गए हमको क्या करना है एम्प्लॉयज और वर्किंग का कुछ पोर्शन कॉमन भी होना चाहिए एम्प्लॉइज और वर्किंग का कुछ पोर्शन हमें क्या चाहिए कॉमन भी चाहिए ठीक है और हमें जो कॉमन पोर्शन होगा ना उसको हमें इस आर से दूर रखना है तो अगर देखो इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा बना लेते हैं ठीक है, एम्प्लॉज को हमने बनाया यहां पर वर्किंग का कुछ पोर्शन क्या होना चाहिए वर्किंग को हमने पूरा का पूरा इस आर से दूर रखना है लेकिन ऐसा तो नहीं कहा गया कि वर्किंग जो है वो इसमें नहीं जा सकता अब हमें क्या चाहिए सम एम्प्लॉइज आर वर्किंग चाहिए तो इतना पोर्शन जो है मान लो एम्प्लॉइज का ठीक है इसको हम लोग अगर एक्स्ट्रा पोलेट कर दें, थोड़ा सा पोर्शन ठीक है थोड़ा सा पोर्शन हम लोग क्या इसको अगर वर्किंग के पोर्शन को एक्स्ट्रापोलेट कर दे, कि ये ऐसा होता नहीं कहने का मतलब ये है कि वर्किंग का कुछ पोर्शन कॉमन वहां पर भी आ सकता है वर्किंग का कुछ पोर्शन पर भी आ सकता है इसको या फिर आप ऐसे भी तो बना सकते हो देखो आपको एक्स्ट्रापोलेट करने की भी जरूरत नहीं है ये एम्प्लॉइज है ये वर्किंग है ठीक है हमको आर को डब्ल्यू से दूर रखना है R को w से दूर रखना है तो डब्ल्यू आर से दूर हो गया और ये जो कॉमन पोर्शन है ई e का ये भी तो इससे दूर हो गया अब देखो सारे के सारे एम्प्लॉइज पेंशनर हो सकते हैं बिल्कुल हो सकते हैं ये हमारा एक पॉसिबल वेन डायग्राम बन गया ना कि सारे के सारे एम्प्लॉइज जो हैं सारे के सारे एम्प्लॉइज जो हैं वो क्या हो सकते हैं पेंशनर हो सकते हैं अब देखो सम एम्प्लॉइज आर वर्किंग उसने कहा सम एम्प्लॉइज आर वर्किंग है ये हमारा कॉमन पोर्शन है एम्प्लॉइज आर वर्किंग तो सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल लग रही है इंटैक्ट ठीक है और तो फिर इसके हिसाब से क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी पूछी है पॉसिबिलिटी के लिए अगर आपका कोई भी पॉसिबल डायग्राम बन रहा है तो वो सही होगी तो अब उसने क्या कहा ओल्ड एम्प्लॉइज आर पेंशनर इज नॉट पॉसिबल ये तो गलत हो गया क्योंकि सारे के सारे एम्प्लॉय जो है वो पेंशनर हो सकते हैं ये सही ये जो है हो सकते हैं उसने नॉट पॉसिबल पूछा इसीलिए गलत हो गया ठीक है तो अब अगर हम इसके हिसाब से देखते तो हमें दिख रहा है कि एम्प्लॉज का इतना पोर्शन क्या है कॉमन है एम्प्लॉयज का इतना पोर्शन रिटायर्ड में नहीं जा रहा बिल्कुल सही बात है रिटायर्ड में नहीं जा रहा तो हमने क्या सोचा रिटायर्ड इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्या है सिर्फ और सिर्फ सोचने का तरीका है अगर हम इसको इस तरीके से सोचे तो वो भी सही लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है रिटायर्ड में नहीं जाएगा रिटायर्ड में नहीं जाएगा तो इसका मतलब पेंशन में भी तो नहीं जाएगा इसके हिसाब से करेंगे तो फिर वो सही आ जाएगा कि सारे के सारे एम्प्लॉज पेंशनर नहीं हो सकते क्योंकि ये पोर्शन क्या है जो कॉमन वाला है रिटायर्ड से दूर है सो इन अ वे रिटायर्ड से मतलब की पेंशनर से भी दूर है तो हम इसको अगर इस तरीके से सोचते हैं तो उसका आंसर सही आ जाएगा लेकिन ये हो जाएगा आपका गलत अगर हम उसको सही करेंगे तो।, तो यही मिस्टेक है जो अगर कई बार क्या होता है सिर्फ स्टैंडर्ड वेन डायग्राम के बेसिस पर आप पॉसिबिलिटी को चेक नहीं कर सकते हो उसके अलावा एक और पॉसिबल वेन डायग्राम बनाकर देखो अगर बन रहा है अगर बन रहा है तो यानी कि वहां से आपका आंसर निकलेगा सिर्फ स्टैंडर्ड वेन डायग्राम से सिर्फ यही एक ऐसा केस है जहां पर हम इससे क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं यानी कि हमारा आंसर जो है वो गलत आ जाता है ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना यहाँ पर बस पहला कंक्लूजन ही था जो थोड़ा सा ऐसा था जिसका राइट right, रॉन्ग दोनों ही लग रहा है स्टूडेंट्स कहते हैं सही भी है गलत भी है और आप सभी स्टूडेंट्स बोलते भी हो कि मैम चेकलिस्ट में जो सिलॉक्स के एक्चुअली जो चेकलिस्ट में सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं उसका लेवल जो है वो काफी काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है सो so, इसीलिए आप सभी को लगता है कि हाँ क्या है चलो आई गेस कि अभी सबको समझ में आ गया होगा यहां से नहीं निकलेगा इसका आंसर इसका आंसर यहां से निकलेगा ठीक है यहां से भी निकलेगा बस वही स, अपना सोचने का तरीका है कि अगर हम इसको ऐसा सोचेंगे कि रिटायर्ड इज अ पार्ट ऑफ पेंशनर तो ये रिटायर्ड से दूर है तो इसका मतलब पेंशनर से भी दूर है तो ऐसा नहीं सोचना है यही मैं आपको बता रही हूं सोचने वाले सोच सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं सोचना है इस तरीके से क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी पूछी है अगर आपको पॉसिबल डायग्राम बन रहा है आपका जो रूल है वो यही कहता है कि अगर आपका पॉसिबल डायग्राम बन रहा है तो यानी कि पॉसिबिलिटी सही है चलो कहता है सम पेंशनर आर नॉट वर्किंग कुछ पेंशनर्स हैं जो कि वर्किंग नहीं है तो ये तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है वर्किंग से दूर है पूरा का पूरा रिटायर्ड और पूरा का पूरा रिटायर्ड इज पार्ट ऑफ वट पेंशनर तो सम पेंशनर्स आर नॉट वर्किंग ये बिल्कुल सही है यहां पर आपका दूसरा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करता है सो आई गेस ये क्वेश्चन जो है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा फिर अभी हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर सो so, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा कहता है सम स्टडी इज लर्निंग सम स्टडी इज लर्निंग ओनली अ फ्यू लर्निंग इज प्रैक्टिकल यानी कि लर्निंग का कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल होगा और कुछ पोर्शन प्रैक्टिकल नहीं है नो प्रैक्टिकल इज एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया पहला कंक्लूजन सम एक्सपेरिमेंट इज स्टडी सम एक्सपेरिमेंट इज स्टडी ठीक है एक्सपेरिमेंट आपका यहां पर है स्टडी आपका यहां पर है दोनों आपस में बिल्कुल दूर है उनके बीच में कोई भी हमको एग्जैक्ट रिलेशनशिप नजर नहीं आ रहा है तो ये क्या हुआ गलत हुआ क्योंकि एग्जैक्टली yes, exactly, हमें नजर नहीं आ रहा है जो उसने पूछा है ओल्ड प्रैक्टिकल इज लर्निंग पूरा का पूरा प्रैक्टिकल लर्निंग है अब ये सही होने के लिए क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है नहीं नजर आ रहा नहीं नजर आ रहा लेकिन एक और चीज देखो तो ये क्या हो गया ये तो हो गया आपका गलत लेकिन अगर वो पूछे ऑल प्रैक्टिकल इज लर्निंग इज अ पॉसिबिलिटी तो फिर इसका आंसर क्या होगा ऑल प्रैक्टिकल इज लर्निंग इज द पॉसिबिलिटी ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि ऑल प्रैक्टिकल इज लर्निंग हमारा क्या है गलत है कौन सा कांटे वाला हंड्रेड परसेंट गलत नहीं है क्योंकि यहां पर देखो लर्निंग का कुछ पोर्शन है लर्निंग का कुछ पोर्शन है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं जा सकता ठीक है लर्निंग का कुछ पोर्शन है जो कि प्रैक्टिकल में नहीं जा सकता प्रैक्टिकल का तो कोई भी ऐसा अब देखो जैसा हम ये होता है ना कि सम इज नॉट बी मैं आपके कॉन्सेप्ट्स भी यहां से रिवाइज हो जाएंगे सम ए इज नॉट बी अगर है तो इसका मतलब ए का कुछ पोर्शन है जो कि बी में नहीं जाएगा तो इसका रिवर्स कभी भी सही नहीं होता अगर ये है आपका ये स्टेटमेंट है तो इसका सम बी इज नॉट ए कभी भी सही नहीं होता वो हमेशा सम बी इज नॉट ए कांट से जाएगा फिर उसके केस में ठीक है सम वी इज नॉट ए जो होता है वो गलत हो जाएगा सम इज नॉट वी अगर आपका सही है तो हमने ये बनाया कि ए का कुछ पोर्शन है जो कि बी में नहीं जाएगा अगर वो आपसे कंक्लूजन में पूछे सम बी इज नॉट ए तो वो आप कुछ कह थोड़े ना सकते हो हमें ये थोड़ी ना नजर आ रहा है कि बी का कुछ पोर्शन है जो कि ए से दूर है ऐसा तो नहीं है तो यहां पर अगर वो पूछे ओल्ड प्रैक्टिकल इज लर्निंग इज पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा जो पी है वो एल में जा सकता है बस इतना पोर्शन जो एल का है उसको पी से हम दूर रखेंगे तो पी आपका यहां पर आ जाएगा ठीक है तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर दोनों ही कंक्लूजन जो है वो आपके क्या है गलत है तो चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कहते ओनली माउस इज की ओनली दैट मीन्स हमको क्या बनाना है ओल्ड कीबोर्ड इज माउस स्टार मार्क करना नहीं भूलना याद रखना इसकी ही बोर्ड का रिलेशन माउस के अलावा और किसी के साथ नहीं होगा सम मदर बोर्ड इज माउस तो ये हो गई आपकी मदर बोर्ड सम मदर बोर्ड इज नॉट डेटा मदर बोर्ड का कुछ पोर्शन है जो कि आपके डेटा से क्या है दूर है पहला कंक्लूजन देखो कहता है एवरी डेटा कैन बी माउस एवरी डेटा कैन बी माउस एवरी मीन्स ऑल सारा का सारा जो डेटा है क्या वो माउस हो सकता है पहली बात सारा का सारा जो डेटा है क्या वो माउस हो सकता है अब डेटा यहां पर है माउस यहां पर है हमें क्या चाहिए कीबोर्ड में कुछ भी नहीं जाना चाहिए बाकी यहां पर चाहे कुछ भी हो क्योंकि कीबोर्ड का जो ये पोर्शन है ये सिर्फ माउस का ही पार्ट हो सकता है ओनली माउस इज की सिर्फ और सिर्फ आपका जो माउस है वही कीबोर्ड है और कुछ भी माउस नहीं है और कुछ भी कीबोर्ड नहीं है सिर्फ और सिर्फ माउस ही कीबोर्ड है तो डेटा जो है क्या हम यहां पर नहीं बना सकते इस तरीके से एक पॉसिबल डायग्राम बन सकता है इससे दूर है के से हम लोग इसको दूर रखेंगे तो डी आपका यहाँ पर आ जाए तो बन सकता है तो यानी कि पहला कंक्लूजन क्या है बिल्कुल सही है सारा का सारा डेटा माउस में जा सकता है बस प्रोवाइडेड के से दूर रहना चाहिए सम कीबोर्ड इज मदर बोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी की बोर्ड मदर बोर्ड हो सकता है की बोर्ड इस माउस के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता सीधा सीधा गलत हो गया यहां पर सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कहता है सम कूलर इज नॉट फैन कूलर का कुछ पोर्शन है जो कि फैन से दूर है फैन इज एसी पूरा का पूरा फैन एसी से दूर है ओल्ड ए सी आर एग्ज़ोस्ट। चलो बना लिया पहला कंक्लूजन कहता है ओल्ड कूलर कैन बी एक्जोस्ट सारे के सारे जो कूलर हैं वो आपके एग्जोस्ट हो सकते हैं ठीक है तो ऑल कूलर कैन भी एक्ट कूलर आपका यहां पर है एग्जोस्ट आपका यहां पर है कूलर और exhaust बिल्कुल दूर है इनके बीच में कोई भी एग्जैक्ट रिलेशनशिप हम नहीं एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो पॉसिबिलिटी जो भी पूछेगा वो सही हो जाएगी कैन भी पूछा है पॉसिबिलिटी अगर पूछे ऑल कूलर आर एग्जोस्ट ये क्या हो जाएगा ओल्ड कूलर आर एग्जोस्ट अब ये तो हमें नहीं नजर आ रहा कि सारे के सारे कूलर्स हैं ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा कौन सा कांट से वाला क्योंकि एग्जैक्टली exactly नजर नहीं आ रहा पॉसिबिलिटी पूछी कांट से वाले की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है तो वो हो गया आपका सही नेक्स्ट सम इज नॉट फैन एग्जोस्ट का कुछ पोर्शन है जो कि फैन में नहीं है ऐसा पूछ रहा है तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है ये पूरा का पूरा फैन एसी से दूर है और ये पूरा का पूरा एसी क्या है एग्जोस्ट का ही तो पार्ट है तो सम एग्जोस्ट ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन जो कि एग्जोस्ट का है वो फैन से दूर ही तो है तो ये बिल्कुल सही हो गया तो so, इस क्वेश्चन में आपके दोनों ही कंक्लूजन फॉलो करते हैं ठीक है तो ये था आपका वेल, well, अभी आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं जो भी कॉन्सेप्ट समझाया है आप सभी को समझ में आया होगा तो so, आगे चलते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो so, ये है आपके सामने इनिक्वालिटी के क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए आप सभी इन क्वेश्चन को चलो पहला क्वेश्चन P इज ग्रेटर देन R P से R तक देखो ग्रेटर लेस देन दोनों सिंबल्स मिल गए गलत हो गया

वाई आपका यहाँ पर है अब हमको कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा इनका कॉमन क्या है डब्ल्यू एक्स और जेड से कनेक्टेड है ये जो आपका वाई है वो डब्ल्यू एक्स और जेड से कनेक्टेड है तो देखो अब पी डब्ल्यू एक्स और जेड से किसी से कनेक्टेड है यहाँ पर एस एस इनका कॉमन है ठीक है एस कॉमन है तो हमें क्या चाहिए पी इज ग्रेटर देन वाई पी से हम एस तक गए देखो ग्रेटर 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 ठीक है तो एस से जेड तक भी हमको एस से वाई तक भी यही चाहिए ग्रेटर 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 बिल्कुल सही है पी इज ग्रेटर देन वाई चलो अब अगला देखो U इज ग्रेटर देन W U आपका यहां पर है W आपका यहां पर है अगेन इनका कॉमनर कौन है S है तो U से S तक गए ग्रेटर लेस देन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया सीधा गलत हो गया नेक्स्ट R इज ग्रेटर देन Y R आपका यहां पर है Y आपका यहां पर है अगेन S के साथ कॉम्बिनेशन देखना है तो R से S तक गए ग्रेटर मिला ग्रेटर देन वाई चाहिए तो s से वाई तक जाएंगे ग्रेटर 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 ये भी सही है तो इस क्वेश्चन में आपका पहला और तीसरा कंक्लूजन फॉलो करता है ठीक है सेकंड कंक्लूजन नहीं करता है फॉलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो बाकी के दोनों क्वेश्चन हैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी का होमवर्क है आप सभी को कमेंट सेक्शन में शेयर करना है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगर आप सभी को सेशन समझ में आता है मैं जो पढ़ाती हूं, समझ में आता है तो सेशन को लाइक like जरूर करना है शेयर जरूर करना है और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है चलो क्या कहते हैं देर आर सिक्स पर्सन छह लोग हैं ईच ऑफ देम अ डिफरेंट एज ये कौन से क्वेश्चन है जैसे कंपेरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं ये तो ठीक है तो

कहता है l इज ओल्डर देन ओनली m l ओल्डर है सिर्फ और सिर्फ m से l जो है वो सिर्फ और सिर्फ m से बड़ा है बाकी सभी से छोटा है o इज यंगर देन ओनली टू पर्संस कहता है o जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो लोगों से छोटा है o इज यंगर देन ओनली टू पर्संस तो o सिर्फ और सिर्फ इन दो लोगों से छोटा है बाकी सबसे बड़ा है n इज नॉट द ओल्डेस्ट n यहां पर आपका नहीं आएगा ठीक है K is neither older than P nor younger than N. K is neither older than K जो है वो P से बड़ा नहीं है K जो है वो P से बड़ा नहीं है इसका मतलब P बड़ा है K से K P से छोटा है कहते हैं K is neither older than P nor younger than N और N से छोटा नहीं है N से छोटा नहीं है K यानी कि N से बड़ा है तो ये बनेगा P K N ऐसा होगा तो यही दिख रहा है हमें P K और N

स्टेटमेंट सही है तो देख लेते हैं यहां पर पी की सेवेंटी एन की पी की 70 है N की 63 है है एन की तो देखो कुछ ऐसा है यहां पर डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ एन एंड एम यहां पर डी ऑप्शन देखो द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ पी एंड एम पी और एम की एज का डिफरेंस कितना बारह साल है ठीक है 12 साल है तो डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर हाउ मेनी पर्सन आर टोलर देन एन एन से कितने लोग बड़े हैं एन से कितने लोग बड़े हैं वन टू थ्री तीन लोग बड़े हैं तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन थ्री करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी आपका कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है देर आर सिक्स पर्सन छह लोग हैं

बट लाइटर देन एल पर एल से हल्का है आई जो है इन दोनों से तो क्या है heavier है एल से हल्का है तो एल आपका यहां यहां सबसे है. है सिर्फ है. सब वो हैवियर है तो एल आपका यहां पर आ जाएगा द वेट ऑफ पर्सन इज एटी के जी इज कंप्लीटेड थी ठीक है कंपैरिजन वेस्ट क्वेश्चंस इतने ही आसान आते हैं विद इन सेकेंड्स में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो इसमें टाइम एक मिनट का टाइम भी नहीं लगता है तो देखो हु अमंग फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट इनमें से सबसे ज्यादा लाइटेस्ट यानी कि हल्का पर्सन जी है जी का वेट सबसे कम है तो ई ऑप्शन करेक्ट है इफ द वेट ऑफ जे सिक्सटी एट के जी क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना है एंड आई होप कि आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा आप सभी को समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो जल्दी से नहीं भूलना लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में हर रोज इसी तरीके से मैं आपको आपके लिए ये वीडियोज लेकर आऊंगी मिसलेनियस डोस जैसे आज डे वन था डे टू आएगा ठीक है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टेक केयर एवरी वन